हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द ग्लैम अप क्वीन। सो गाइस, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी डीआईवाई रेमेडी जिसकी हेल्प से आप अपनी स्किन को वाइट एंड ब्राइटन बना सकते हैं, ग्लोइंग बना सकते हैं और स्पॉटलेस बना सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपकी स्किन में एक्ने, पिंपल्स, दाग धब्बे, डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, टैनिंग, झाइयों की प्रॉब्लम है तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी दूर होगी और आपको यंग, ग्लोइंग और यूथफुल स्किन मिलेगी। इस रेमेडी को बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल और इफ़ेक्टिव है। इसमें मैंने जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं वो आपकी स्किन पर कोई हार्म नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि आपकी स्किन को सर्दियों के मौसम में भी वाइट एंड ब्राइटन और ग्लोइंग बनाएगी। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि हमें इस DIY स्किन वाइटनिंग रेमेडी को किस तरीके से बनाना है और किस तरीके से यूज़ करना है। इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एक क्लीन बोल लेना है। उसके बाद आप इसमें 1 से 1.5 चम्मच ग्राम फ्लावर ऐड कर लीजिए, यानी बेसन। बेसन आपकी स्किन से दाग धब्बों को, पिगमेंटेशन, झाइयों की प्रॉब्लम को दूर करेगा और आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टीस्पून शुगर। शुगर आपकी स्किन पे एक स्क्रब का काम भी करेगा, साथ ही साथ शुगर आपकी स्किन को डीपली क्लीन करेगा, आपकी स्किन से दाग धब्बे, डार्क स्किन हो गई है बहुत ज़्यादा तो उसे भी रिमूव करेगा। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टीस्पून आलमंड ऑयल। आलमंड ऑयल अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, ग्लिसरीन भी यूज़ कर सकते हैं। सर्दियों के मौसम में स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है तो मैं यहाँ पर 1 टीस्पून आलमंड ऑयल ऐड कर रही हूँ। और लास्ट इंग्रेडिएंट मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून कर्ड। कर्ड आपको इसमें ऐड करनी है। कर्ड सर्दियों के मौसम में स्किन ड्राई हो जाती है, बहुत ज़्यादा डल हो जाती है, तो ये आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाएगी, मॉइस्चराइज रखेगी। अब आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप इसे जैसे जैसे मिक्स करेंगे आपको बहुत ही अच्छे से पेस्ट तैयार कर लेना है। अगर आपको लगता है कि आपका पेस्ट बहुत ज़्यादा थिक हो गया है तो आप इसमें रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 1 चम्मच रोज़ वाटर ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास रोज़ वाटर नहीं है तो आप इसमें दही और मिक्स कर लीजिए, जिससे ताकि स्मूथ अच्छा सा पेस्ट तैयार हो जाए। अब आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तब तक मिक्स करते रहिए जब तक कि एक स्मूथ क्रीमी सा पेस्ट तैयार ना हो जाए जो आपके फेस पर अच्छे से अप्लाई हो सके। तो देखिए, अब मेरी DIY स्किन वाइटनिंग रेमेडी एकदम रेडी हो चुकी है और इसकी कंसिस्टेंसी आपको बिल्कुल इसी तरीके की रखनी है, ना ज़्यादा थिक होनी चाहिए और ना ज़्यादा रनी होनी चाहिए। तो अब हमारी स्किन वाइटनिंग रेमेडी एकदम रेडी है। अब इसे यूज़ किस तरीके से करना है मैं आपको बताती हूँ। इसको यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। यह आपकी स्किन को कोई हार्म नहीं पहुँचाएगा, बल्कि आपकी स्किन को वाइट एंड ब्राइटन और ग्लोइंग बनाएगा। सर्दियों के मौसम में भी आपकी स्किन डल नहीं लगेगी, बल्कि आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग और शाइनी लगेगी। तो आपको क्या करना है, इसको यूज़ करने से पहले अपना फेस अच्छे से वॉश कर लीजिए और उसके बाद ब्रश की हेल्प से अपने पूरे फेस पर इस रेमेडी को अप्लाई कर लीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। फेस पैक के साथ साथ ये आपके फेस पर स्क्रब का काम भी करेगी, आपके स्किन से डेड स्किन को रिमूव करेगी और आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाएगी। मैंने इसमें शुगर ऐड किया है। शुगर आपके फेस पर एक स्क्रब का काम करेगी। स्क्रबिंग से आपके स्किन पर अगर जैसे कि ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम है, वाइट हेड्स हैं, तो वो भी रिमूव होंगे और साथ ही साथ शुगर आपकी स्किन को डीपली क्लीन करेगी। बेसन आपकी स्किन से दाग धब्बे, झाइयों को दूर करेगी। दही आपकी डल स्किन को मॉइस्चराइज रखेगी, साथ ही साथ स्किन को ग्लोइंग बनाएगी। रेमेडी को अप्लाई करने के बाद आपको 2 मिनट तक अच्छे से अपने फेस की मसाज करनी है। मसाज करने से आपकी डेड स्किन निकलेगी और साथ ही साथ आपकी स्किन का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो आपकी स्किन पर नेचुरल ग्लो आएगा और सर्दियों के मौसम में तो वैसे भी स्किन का निखार चला जाता है, स्किन बहुत ही ज़्यादा फटी फटी, ड्राई, डल फील करती है। तो ये पैक आप ज़रूर ट्राई कीजिए। यह आपके फेस पर एक फेस पैक के साथ साथ स्क्रब का काम भी करेगा। दोनों इम्पैक्ट आपको एक ही पैक से मिल जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा अच्छा पैक है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। इसके पहले यूज़ से आपको आपकी स्किन में फ़र्क देखने को मिलेगा कि आपकी स्किन कितनी ज़्यादा सॉफ्ट स्मूथ लग रही है और कितनी ज़्यादा क्लियर नज़र आ रही है। तो आपको क्या करना है, आपको 2 मिनट तक अच्छे से मसाज करनी है। मसाज करने के बाद आपको इस पैक को अच्छे से सूखने के लिए छोड़ देना है। जब अच्छे से आपका पैक सूख जाए तो नॉर्मल वाटर से अपना फेस अच्छे से वॉश कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर अपना फेस अच्छे से वॉश कर लिया है और आप देख सकते हैं कि इसके पहले यूज़ से मेरी स्किन कितनी ज़्यादा क्लियर नज़र आ रही है और मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्मूथ फील कर रही है। तो आप इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई कीजिए। तो आज की मेरी रेमेडी ये थी DIY स्किन वाइटनिंग रेमेडी, जिसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको इस पैक के बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आप इसे वीक में 3 से 4 बार ज़रूर ट्राई कीजिए। इससे आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम्स दूर होगी, एक्ने, पिंपल्स, पिगमेंटेशन, टैनिंग, सारी प्रॉब्लम्स दूर होगी और आपको ग्लोइंग स्किन मिलेगी। तो
तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।